तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं एक बंगाली रेसिपी जिसका नाम है भापा डीम। इस रेसिपी की खासियत यह है कि अंडे को पहले स्टीम कर लिया जाता है, फिर उसे फ्राई करके कढ़ी में डाला जाता है। तो यहाँ मैंने भापा डीम बनाने के लिए 5 अंडे लिए हैं, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसे अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, उसका येलो पार्ट जो है और वाइट पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। अब मैं ढक्कन को अच्छे से बंद कर दूँगी और प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लूँगी, लेके टिफिन बॉक्स को उसमें बैठा के प्रेशर कुकर की सीटी निकाल के फिर मैं उसे बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद 20 मिनट तक उसे छोड़ देना है स्टीम होने के लिए। एंड उसके बाद मैं कढ़ी के लिए मसाले तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची ली है और 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 प्याज लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। और फिर मसालों में मैंने 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। मैंने अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया है, तो 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, 1 छोटा टमाटर लेना है जिसे रफली चॉप कर लेना है। और उसके बाद हम लोग जो अंडा स्टीम कर किया था हम लोगों ने उसे छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। काटने के बाद उसे तेल में हल्का सा फ्राई करना है, याद रखें ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि उसे अंडा बहुत सख्त हो जाएगा और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अंडे को हल्का सा फ्राई करना है, टॉस कर लेना है बस। करने के बाद उसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। निकालने के बाद जस्ट टॉस किया है मैंने और निकाल लिया है। निकालने के बाद मैं फिर से तेल लूँगी कढ़ाई में। लेने के बाद मैं उसमें जो भी मसाले रखे हुए थे, तेज़पत्ता और गर्म मसाले जो भी रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक डालूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तेज़पत्ता डाला है, उसके बाद मैंने उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला है, फिर 1 बड़ी इलायची डाली है, फिर मैंने 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डाले हैं। डालने के बाद उसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ्राई होगा तो फिर वो गलेगा नहीं और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसे अच्छा हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करना है। करने के बाद उसमें मैं मसाले डालूंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। जो भी मसाले मैंने पहले से निकाल के रखे थे वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी और उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालूंगी, 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, फिर मैंने सारे मसाले जो थे पाउडर मसाले वो सारे डाले हैं और उसके बाद मैंने जो टमाटर रफली चॉप करके रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। और इन सारे मसालों को नमक डालने के बाद, मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। डालने के बाद मैं अच्छे से मसालों को फ्राई कर लूँगी, जब तक कि वो टमाटर और प्याज के साथ पूरा मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं उसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। अच्छे तरीके से भून गया है अभी ये मसाला, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये ग्रेवी हो अच्छे तरीके से बने। करीबन 1 कप पानी मैंने डाला है, 1 कप पानी डाल के अच्छे से चलाना है। चलाने के बाद हम लोगों ने जो अंडा फ्राई करके रखा था उसको इसमें डालना है। तो ये पहले थोड़ा सा उबल जाए, पानी मैंने डाला है इसमें, ये थोड़ा अच्छे से उबल जाए, इसके बाद मैं इसमें अंडे डालूँगी। मैंने धीरे धीरे अंडे इसमें डालने शुरू कर दिए हैं और अंडों को इसमें डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 1/2 मिनट ऐसे इसको उबालना है। उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देना है और फिर तैयार हो जाएगा आपका भापा डीम।
तो अब ये तैयार है, बस इसे मैं सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसे टेस्ट करना है। ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा बना था, मैंने खा भी लिया है इसे, पहले ही टेस्ट